तो आज मेरे पास एक ऐसी प्रेस आई है जो कि गर्म नहीं हो रही, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको घर बैठे कैसे सही कर सकते हैं। इस प्रेस को खोलना कैसे है, कैसे पता करना है कि इसका वायर ख़राब है या नहीं, और कैसे पता करना है कि इसकी कॉइल काम कर रही है या नहीं, या फिर इसकी जो वायरिंग है उसको कैसे करना है, इसको वापस कैसे इकट्ठा करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको पीछे जो स्क्रू मिलता है उसको खोलना है, और खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसकी जो वायरिंग है वो इस प्रकार से मिलती है। यहाँ पे जो रेड और ब्लैक वायर है वो मेन वायर है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि इसका जो वायर इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बटन को चालू किया और यहाँ पे कैपेसिटर लाके यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर पे दोनों पे मैंने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब वायर सही है। यदि वायर यदि आपका खराब है तो डायरेक्ट आप इनको निकाल के चेंज कर सकते हैं, परंतु मेरा जो वायर है वो सही है, तो यहाँ पे मैं इसकी कॉइल चेक करने वाला हूँ। तो कॉइल चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो ये जो स्क्रू दिए हुए इनको खोलना है, और खोलने के बाद आपका जो वायर है वो अलग हो जाता है। साथ में इसके साथ जो इंडिकेटर मिलता है जो कि एक राइट में और लेफ्ट में लगा हुआ था, तो वो भी यहाँ पे निकल जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस प्रेस को पूरा खोलने के लिए यहाँ पे जो इसका कंट्रोलर है इसको यहाँ पे खोलना है, उसके नीचे हमें दो स्क्रू मिलते हैं इसको खोलना है, और उसके बाद इसको पूरा खोलने के लिए ऊपर ये जो पट्टी दी हुई है इसको आपको खांचों से खोलना है, और आगे दखल के हुए खोलने के बाद यहाँ पे इसके अंदर जो बोल्ट दिया हुआ है मतलब जो स्क्रू दिया हुआ है इसको भी आपको खोल देना है, और खोलने के बाद यहाँ पे ये जो कांचे दी उसके ऊपर आपको टेस्टर लगा के फिर आपको उसको थोड़ा सा आगे दखलना है जिससे कि ये यहाँ पे खुल जाता है। अब खोलने के बाद यहाँ पे आपको उसको पूरी तरह खोलने के लिए यहाँ पे तीन और स्क्रू दिए हुए इनको भी आपको खोलना है, और यहाँ पे इनको यदि आप खोल देते हैं तो यहाँ पे इसको आपको ऊपर करना है जिससे कि ये तो आसानी से निकल जाता है, पर इससे पहले आपको इंडिकेटर को ध्यान में रख के इसको निकालना है। और निकालने के बाद यहाँ पे आप इसके अंदर का जो भाग देख सकते हैं जो कि एक तो ऑटो कट ऑफ है और दूसरा यहाँ पे कॉइल है, तो इसकी जो वायरिंग है उसको चेक करने से पहले आपको ऑटो कट ऑफ को चेक करना है, या फिर सबसे पहले आपको ये जो कॉइल है इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आप डायरेक्ट वायर लेके एक कॉइल के इस साइड और दूसरा इस साइड लगा के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि ऑटो कट ऑफ आपको ख़राब लगता है तो आप मार्केट से इसको भी ला के चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ध्यान में रख के आपको खोलना है। अब यहाँ पे वायरिंग है उसको आप ध्यान में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो वायर है वो तो डायरेक्ट जाता है और एक जो ऑटो कट ऑफ का वायर है वो कॉइल में लगता है जिससे कि यहाँ पे इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अब यदि आपको लगता है कि आपका जो ऑटो कट ऑफ सही है तो आप इस कॉइल को बदल सकते हैं। आपको चेक करना है कि कॉइल सही है नहीं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन कॉइल पर दो फेज लगा के चेक कर सकते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि ये गर्म होती है या नहीं, तो थोड़ा समय आपको लगाना है। और यदि कॉइल ख़राब है तो आप टेस्टर या पेक्सिस की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आप नई कॉइल इस साइज़ की लाते तो आपको लकड़ी की सहायता से इसको ठोर के फिक्स कर लेना है, या फिर आपके पास कोई भी हैमर है इसको घिस के यहाँ पर सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जो कॉइल है वो यहाँ पे मेरी सही है, तो मेरा जो ऑटो कट था वो ख़राब था तो मैंने उसको घिस के थोड़ा सा सही कर लिया है। अब यहाँ पे मैं वापस इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, कनेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे सीधी से चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑटो कटअप है वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑटो कटअप है अब काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको वापस फिट करने वाला हूँ, तो फिट करने के लिए वापस आपने जिस प्रकार से खोला था इसी प्रकार से आपको सेट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेटर और यहाँ पर जो दो वायर मेन वायर है उसको यहाँ पे निकाल देना है। उसके बाद आपको तीनों जो स्क्रू है इन तीनों को कस के यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग है उसको वापस इसी प्रकार से आपको पीछे धकल के फिट कर लेना है, और यहाँ पे साइड में आपको जो ये स्क्रू मिलते हैं इन तीनों को यहाँ पे कस लेना। सबसे पहले दो कसने, उसके बाद तीसरा, उसके बाद आपको ये वाला जो भाग है इसको भी फिट कर लेना है, और उसके बाद आपको इंडिकेटर को सही से फिट करके यहाँ पे जो पीछे के जो मेन फेज है इन दोनों को भी यहाँ पे लगा लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रेस है इसकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यदि आप अर्थिंग को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अर्थिंग भी लगा सकते हैं जो कि कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रेस है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेस है उसके अंदर क्या कमी है, फिर आप उसको घर बैठे रिपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रेस को अब गर्म करके देख लिया कि मेरी जो प्रेस है वो काम कर रही है, साथ में इसका जो ऑटो कटअप है
वो भी मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे जब ये गर्म होती है तो यहाँ पे ऑटो कटअप से ग्रीन लाइट बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे किसी भी प्रेस को रिपेयर कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।